नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को टेलीग्राम चैनल से। मैं हूं राकेश वडनेरे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, सुजलॉन, कैफे कॉफी डे। जी हाँ, चार शेयरों के बारे में बात करेंगे। यदि इनमें से एक भी शेयर आपके पास है तो वीडियो में बने रहिए, और यदि खरीदारी करना चाहते हैं फ्रेश मौका तो देखिए, दो दिनों में हमारे वीआईपी सिग्नल ने, रॉकेट के सिग्नल ने, यहां से खरीदारी का सिग्नल जनरेट हुआ था। 30 नवंबर को बाइंग का सिग्नल था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पर कि ₹36 में खरीदारी करनी थी, ₹37 में खरीदारी करनी थी। आज वो ₹41 में ट्रेड कर रहा है। तकरीबन दो दिनों में शेयर ने दिया है मात्र 13% का रिटर्न। जी हाँ, और अब जेपी एसोसिएट, जेपी पावर और सुजलॉन भी ऐसा ही रिटर्न दे रहे हैं। इस स्क्रीन पर देखो, सुजलॉन का शेयर हम दो दिन से रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तीन दिन से रिकमेंडेशन कर रहे हैं, खरीदारी कर लीजिए क्योंकि सिग्नल है ऑलरेडी। ₹8 से सिग्नल था हमारे पास और खरीदारी अभी ₹9 हो चुका है, ₹9.50 का है, 16% का रिटर्न दे चुका है। जेपी प्रकाश, जेपी एसोसिएट देख लीजिए, सिग्नल आ चुका है आज ही के दिन, फ्रेश खरीदारी का सिग्नल आया, वो भी 1 दिसंबर के दिन। जी हाँ, सिग्नल आ चुका है, खरीदारी करना चाहिए, ₹10.70 का भाव है। और रिस्क क्या है, बहुत छोटा सा। और जय प्रकाश पावर, जेपी एसोसिएट, दोनों जेपी पावर में भी बिल्कुल सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो इन सब शेयरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और कितना ऊपर जाएगा ये। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में धमाकेदार तेजी देखने को मिल गई। लास्ट टाइम इसके अंदर क्या हुआ था, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, अभी तक के जो शेयर धारक है, या फिर आज जिन लोगों ने, शेयर धारकों ने खरीदारी करी है, तो सबसे पहला जो टारगेट होगा उन लोगों के लिए, तकरीबन मेरा पहला टारगेट ₹44 के लिए होगा, मतलब ₹44 के लिए यहाँ पर रखना होगा। और ₹44 के ऊपर ये स्टॉक कितना ट्रेड कर सकता है, तो मैं ₹47 के लिए बोलना पसंद करूंगा। और यहीं पर इसके एक रेजिस्टेंस फेसिंग एरिया जो कि ₹45 से लेकर ₹47 के बीच में है, और यदि ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है ये शेयर, तो इस प्राइस के अबो तो आपको ₹50 और ₹52 तक के लिए बाकी। मगर यदि ये शेयर, जिन शेयरधारकों ने ₹60 से, ₹65 से, ₹70 से या ₹75 से खरीदारी करके रखी, तो उन लोगों के लिए निराशित बात है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी जिन लोगों ने ₹70 में या ₹80 में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट खरीदे थे, क्या वो शेयरधारकों को रिटर्न वापस से उतना कर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा गाइस। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 30 से 40 के लेवल है, और तकरीबन मुझे लगता है कि भविष्य में आपको ये ₹50 से ₹55 तक के लिए पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। और तकरीबन रिट्रेसमेंट 35-40% का रिट्रेसमेंट है जब से फॉल हुआ ₹80 से 34 के बीच का। तो ये रिट्रेसमेंट हमें बता रहा है कि तकरीबन यहीं पर ही देखने को मिल सकता है। एल्गोरिदम भी बताइए, यहीं की टारगेट बता रही है, ₹50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सुजलॉन। सुजलॉन शेयर में हुआ धमाका और ये ₹9.30 चल रहा है लाइव, ₹8 से हमारे पास सिग्नल है, कितना ऊपर जाएगा। यदि आपके पास टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है या फिर खरीदारी की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सुजलॉन भी यदि खरीद के रखा है या फिर खरीदारी करना चाहते हो या कर ली है अभी, हाल 3-4 दिनों में खरीदारी करी है, तो देखिए एक चार्ट टेरिटरी बोल रही है, ट्रेंड टेरिटरी बोल रही है कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो सुजलॉन में खरीदारी कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, खुशी की बात है कि अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का मौका मिल सकता, हो सकता है कि मल्टी बैगर हो जाए। ऐसा शब्द बोलना अभी हाल थोड़ा मुश्किल है कि मल्टी बैगर जैसे शब्दों के लिए मैं अभी हाल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता। बाकी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि ये ₹9 और ₹10 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब रहा है, तो भविष्य में ₹11 और ₹12 के लेवल के लिए भागता हुआ नजर आ सकता है। तो इस रेंज के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए, और मैं बोलता हूँ लंबी अवधि के निवेशकों के रूप में बने रहिए इस शेयर में, लॉन्ग टर्म में। जी हाँ, और लॉन्ग टर्म की यदि आप बैठे रहते हैं, तो आपको भविष्य में हो सकता है कि ये शेयर अब उसके बाद ₹14-15 के बाद यदि सस्टेन करने में कामयाब रहा, तो वहां पर आपको ये शेयर भविष्य में लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर होता हुआ नजर आ सकता है। तो आगे बात करते हैं, और यह था सुजलॉन शेयर का हाल कि यहाँ पर आपको इतनी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम जेपी एसोसिएट, तकरीबन ₹10 का शेयर चल रहा है जेपी एसोसिएट, और फ्रेश खरीदारी का सिग्नल बिल्कुल ताजा सिग्नल आ रहा है 1 दिसंबर के दिन, क्या करना चाहिए और कितना ऊपर जा सकता है। तो एल्गोरिथम अभी बोल रहा है कि देखिए एक रेजिस्टेंस फेसिंग एरिया ₹11 से लेकर ₹12 के बीच का, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है, और ये इससे ज़्यादा ऊपर कभी जाता नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा ₹12 के ऊपर, ₹12.30 के आसपास भारी मात्रा में रेजिस्टेंस है इसके अंदर। और ये शेयर यदि इस टेरिटरी को
क्रॉस करने में कामयाब रहा तो फिर जाके बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो भविष्य में आपको तकरीबन 12 रुपए से लेकर तकरीबन 16 रुपए तक की रेंज का एरिया हो सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर, जेपी एसोसिएट। जेपी पावर का वीकली चार्ट में ऑलरेडी बाइंग का सिग्नल है हमारे पास, और डेली चार्ट पर भी फ्रेश खरीदारी का सिग्नल आ चुका है। आज ही के दिन 1 दिसंबर के दिन 7.90 रुपए पे खरीदारी के सिग्नल का बोल रहा है, खरीदारी करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को एक रेंज जो है 9.40 रुपए का रेजिस्टेंस रेंज है और 8.70 रुपए की रेजिस्टेंस रेंज है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं, मैं आपको बोलूँगा 8.50 रुपए के लिए ज़्यादा खरीदारी नहीं करना, ज़्यादा ऊपर ये आना मुश्किल है क्योंकि इसमें भी तकरीबन भारी मात्रा में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि जेपी पावर और जयप्रकाश पावर आपको कुछ ज़्यादा भागते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, तो ये गाइस था वीडियो। आप लोगों ने यदि जेपी पावर, जेपी प्रकाश पावर या फिर TV18 ब्रॉडकास्ट या फिर सुजलॉन खरीदारी की है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि किसी शेयर पर फंस गए हो और कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। और आज जिन शेयरों में खरीदारी हो रही है वो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल पर हमने सबसे पहले मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि TV18 ब्रॉडकास्ट खरीदना है, और आज हम रिकमेंडेशन करते हैं कि खरीदारी करना चाहिए कैफे कॉफी डे इंटरप्राइज में। कैफे डे कॉफी डे में देखिए फ्रेश खरीदारी का सिग्नल आ चुका है, इसको बोलते हैं फ्रेश सिग्नल, खरीदारी करना चाहिए। देखिए ठंड का टाइम है, कॉफी है, बिकेगा, है ना, सीधी सी बात है। और बायर्स इसको खरीदारी कर रहे हैं जनरली, तो खरीदारी जब कर रहे हैं बायर्स कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर बायर्स कंटिन्यूसली बना हुआ है, यहाँ पर सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर, जैसे ही 54 रुपीज का रेजिस्टेंस, 55 रुपीज का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो 57 और 60 रुपीज के लिए और भविष्य में 65 रुपीज के लिए भागता हुआ नजर आ सकता है आपको ये कैफे कॉफी डे का शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू।